इस्लाम के जिले सालार मीर असलम खान उमरानी को शहीद किया गया था, जिसके कातिल अभी तक पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुका है। सरकार की तरफ से एक एजाजी काल का कॉल दिया गया था कोटा प्रेस क्लब के आगे, यहाँ आने वाले तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से उस्ताद असगर अली उमरानी को दावत दूंगा कि तलावत कलाम पाक का साथ हासिल करें। तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी के कयादत में ये आज अमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। जैसे कि आप एक कबायली शख्सियत होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर थे और मुस्तमंद की आवाम के लिए गरीबों के लिए एक सहारा थे। 29 जून को शहीद वीर असलम उमरानी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और मैं आईजी बलोचिस्तान और डीआईजी नसीराबाद और कर्नल विंग से अपील करता हूँ कि उनको सजा दिया जाए और उनके घरों को बिस्मार कर दिया जाए। बसूरत दीगर उमरानी कौमी इस्तेमाल था पाकिस्तान और उसके साथ साथ जो और पार्टीज है वो पाकिस्तान के तमाम हाईवे रोडों को बंद करेगा। सरकार आमिर हुसैन उमरानी को सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजों का दान की तरह से किया गया है, क्योंकि 29 जून को एक कबायली शख्सियत और एक सोशल वर्कर असलम के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो उमरानी एक ऐसी कौम है जो कि पूरे बलूचिस्तान को बंद करना जानती है और वो अपना बदल लेना भी जानता है। थैंक यू। जमीयत के लीडर पूरे नसीराबाद के लीडर बन चुके हैं। ये एक बड़ा सानिया पे हुआ है, ये एक शख्स का कत्ल नहीं है, पूरे नसीराबाद के आवाम का कत्ल है, क्योंकि वो अपोजिशन के किरदार अदा कर रहे थे, वो आवाम का आवाज बन चुके थे और आगे चल के वो एक बड़ा लीडर और इलाके के बड़ा काम करने वाला शख्सियत पैदा हो रहा था। इसके कातिल यहाँ पर धनधनाते फिर रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम प्रेस क्लब के आगे धरना दे रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अगर मजीद इसको कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो इसको हम बड़ा कर एहतजाज को पूरे पाकिस्तान लेवल पे ले जाएंगे। आज ये 500,000 लोग हैं, इंशाल्लाह कुछ दिन में आपको यहाँ लाखों लोग नजर आएंगे। असलम खान के कातिलों को गिरफ्तार करो और इस एहतजाज को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे।